आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव प्रसार में आज चौराहे पहुंची, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी खानदान हिसाब से कांग्रेस की विरासत क्या है। कांग्रेस की विरासत क्या है? जब वह सत्ता में होती है तो संविधान को कुचलने की बात करते हैं और राम के अस्तित्व से इनकार करते हैं। कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने कह दिया था कि राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, और आज जब चुनाव आया है तो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। वहीं उन्होंने मंच से भाजपा का बखान करते हुए गैस सिलेंडर के दाम बताने में गड़बड़ी कर दी। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी तो सिलेंडर का दाम 1240 रुपए था, आज भाजपा की प्रदेश में सरकार है तो सिलेंडर 450 रुपए का है। लाती थी तब सिलेंडर का दाम था 1240 रुपया, था कि नहीं था? जब उनके पास सत्ता थी सिलेंडर का दाम था 1240 रुपया, जब भाजपा के पास सत्ता है तो मध्य प्रदेश में सिलेंडर है 4400 रुपया। अब तय आपको करना है, सरकार आप किसकी बनाने वाले। जब मैडम के हाथ में रिमोट था तो उन्होंने दस्तावेज दिला दिया कि प्रभु राम का कोई अस्तित्व नहीं था। जब मैडम के हाथ में रिमोट कंट्रोल था तब उनने कह दिया राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं थी, और अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। सब घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। और भैया हम तो अमेठी से हैं, कभी कभी वहां आके नमाज भी पढ़ लेते हैं। राजनीति का चरित्र देखिए उनका, आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, कल अमेठी में चुनाव होगा वहां आकर नमाज भी पढ़ लेंगे। जो धर्म को झुटला दे भैया वो जनता से क्या सच्चा रिश्ता निभा पाएगा। इसलिए नागरिक 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर आएगा, राम का बूथ पर आएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और लखन भैया को अपना विधायक बनाकर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। कुछ लोग शायद इस बात को सुनकर स्तब्ध होंगे कि मैं रघुकुल रीत की बात करती हूँ और लखन भैया जिस समाज से हैं उस समाज से आज कई प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर लखन जी को भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं। आज इस मंच पर या मंच के सामने जो भी व्यक्ति उपस्थित है वो मात्र इस बात के साथ इस सभा में उपस्थित हुआ है कि वो आज न सिर्फ मध्य प्रदेश, न सिर्फ चौराई, बल्कि भारत के नवनिर्माण में अपनी भूमिका को, अपने सहयोग को, अपने योगदान को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। ये मात्र एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये मात्र एक क्षेत्र का चुनाव नहीं है, ये युद्ध है, बिगुल बजा है अधर्म और धर्म के बीच। और तय आपको करना है कि आप किसके पक्ष में हैं, धर्म के पक्ष में या अधर्म के पक्ष में। धर्म वो जो एक मुख्यमंत्री को ये संस्कार दे कि नवरात्र के पावन उत्सव पर वो हमारी लाडली लक्ष्मी। मुझे इस बात का गर्व है क्योंकि कांग्रेस के उस खानदान की विरासत क्या, देश के संविधान को कुचलना। कांग्रेस के उस खानदान की विरासत क्या, प्रभु राम का हम नाम इस मंच से लेते हैं, वो सत्ता में रहकर कोर्ट में दस्तावेज देते हैं कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। कांग्रेस के उस खानदान उस परिवार का परिचय क्या कि जब उनके पास सत्ता रहती है तो वो धारा 370 लगाते हैं, जब मोदी के पास सेवा का मौका आता है तो हम धारा 370 हटाते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी।